अगर ये ऐसा है कि ये अति पिछड़ा के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो क्यों इन्होंने तीन सीट ही मात्र 23 सीट में मात्र तीन सीट ही अति पिछड़ा को बिहार में देन दो ही सीट देने का मात्र बिहार में काम किया है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं। बिहार में मुसलमानों का हितैषी कौन है, लालू प्रसाद यादव हैं या नीतीश कुमार हैं? सीतामढ़ी में जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मेजर इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बताया कि कैसे नीतीश कुमार जो हैं वो मुस्लिम प्रेमी मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी वाले तो बस दिखावा करते हैं, मुसलमानों को ठगते रहते हैं। बात सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, अति पिछड़ों के साथ भी लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया है। कैसे धोखा दिया है मुसलमानों को और अति पिछड़ों को, मेजर इकबाल साहब जो हैं वो विस्तार से जो है वो बता रहे हैं, तंज कस रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर और गुणगान जो है वो नीतीश कुमार का करते हुए दिख रहे हैं। आगे आप वीडियो में मेजर इकबाल साहब का पूरा बयान सुनिए। सर्वविदित है, पूरा बिहार की आम आवाम जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग आज घूम घूम कर अपनी पीठ अपना थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत यह है कि इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही इसकी बुनियाद डाली और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की सोच के चलते पूरे बिहार में ये सफलीभूत हो सका जातीय जनगणना का मामला। ये अति पिछड़ा होने का दावा करते हैं, क्या अति पिछड़ा का दम भरते हैं, अकलियत का दम भरते हैं? हम जानना चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का ये सही मानो, अगर ये ऐसा है कि ये अति पिछड़ा के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो क्यों इन्होंने तीन सीट ही मात्र 23 सीट में मात्र तीन सीट ही अति पिछड़ा को बिहार में देन दो ही सीट देने का मात्र बिहार में काम किया है, जिसमें दोनों धार्मिक जाति से आते हैं और दोनों महिला हैं। एक मुंगेर से हैं, एक और कहीं से, पूर्णिया से, बीमा भारती। तो यह इनका सामाजिक न्याय है, ये जातीय आधारित गन्ना का जो ढूंढरा पीट रहे हैं उसकी सच्चाई है। दूसरा के अकलियत की बात ये करते हैं, ये कहते हैं कि सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, सबसे अगर उसके हितैषी हैं तो वो तेजस्वी यादव हैं, सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। इसको कैसे माना जाए? आप 23 सीट में आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं, सेकुलरिज्म के तथाकथित आलमबरदार बने हुए हैं और आप दो सीट देने का काम पूरे बिहार में मुसलमानों को आपने किया, कैसी धर्मनिरपेक्षता और कैसा सेकुलरिज्म है? हकीकत यह है कि सेकुलर की दुहाई देकर ये सेकुलरिज्म का शोषण कर रहे हैं और अपने शासनकाल में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। हकीकत यह है कि इस हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के जैसा सेकुलर चेहरा पूरे भारत में नहीं है, ये हमारा दावा है और यही यथार्थ है, यही सच्चाई है। अब हमारे प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी बोलेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में यहां उपस्थित मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। इस प्रेस वार्ता में जैसे कि पहले ही सीतामढ़ी निर्वाचन क्षेत्र के सह प्रभारी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेजर इकबाल हैदर जी ने सबका परिचय कराया, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी, अन्य लोग सभी उपस्थित हैं यहाँ।
देखिए हम लोगों ने हमेशा जिस स्ट्रेटजी पर काम किया है उसमें कभी जाति की राजनीति नहीं की है पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा जमात की राजनीति की है और ढिंढोरा नहीं पीटा है, किसी खास समाज के ठेकेदार होने का दंभ नहीं भरा है, ढोंग नहीं किया है, सबको मौका दिया है, सबको आगे बढ़ाया है, तभी तो अति पिछड़ा समाज की सबसे पहली पसंद इतने वर्षों से हमारे नेता नीतीश कुमार की। जो पार्टी आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में इस बिहार में है, वैसे तो उस पार्टी के शून्य सांसद हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन फिर भी वो दम भरते हैं कि देश में केंद्र की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ बातें बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो उनके असली चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव जी अलग अलग तरह की बातें हमारे नेता के विषय में बता रहे हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में हमारे नेता अनुपस्थित रहते हैं उसके विषय में बताते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्या खास है कि लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ पीला लिफाफा बांटने के लिए अधिकृत कर दिया है। लालू जी अगर अपने घर से बाहर भी निकले हैं तो सिर्फ रोहिणी आचार्य जी के प्रचार में निकले हैं। इसका सीधा मतलब है, आप सबको याद होगा बीते विधानसभा के चुनाव में सभी पोस्टर्स होर्डिंग से तेजस्वी यादव जी ने लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर हटा दी थी। मतलब साफ है, लालू राज राबड़ी राज की माफी वो मांगते नजर आते थे सार्वजनिक मंचों से। जंगल राज के उस दौर से बिहार निकल गया और तेजस्वी यादव जी भी उस आडंबर से निकलना चाहते थे, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चुनाव प्रचार को लेकर। जिस पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर भरोसा नहीं, जिन पुत्र को अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर भरोसा नहीं है, उन पर बिहार प्रदेश की जनता क्या भरोसा करे। और लालू जी ने अगर प्रचार किया सिर्फ रोहिणी आचार्य जी का, हमारा सवाल है पहले चरण के जो चुनाव होने हैं, कल उसका चुनाव प्रचार थम चुका है, कल मतदान होना है, क्या कुमार सरजीत जो गया से उनके प्रत्याशी हैं, दलित समाज से आते हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या जमुई की सीट रिजर्व सीट है, दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं औरंगाबाद में, पिछड़ा की सीट है, नवादा में पिछड़ा की सीट है, औरंगाबाद में लड़ रहे हैं पिछड़ा की सीट है, वहां जाना जरूरी नहीं है? तो लालू प्रसाद यादव जी की ये स्ट्रैटेजी, राष्ट्रीय जनता दल की ये स्ट्रैटेजी खुद में बताने के लिए काफी है कि उनकी पार्टी के अंदर भी अगर परिवार के लोग लड़ेंगे तो जोर से दमखम से लड़ा जाएगा लालू जी, लेकिन किसी अन्य के प्रचार में नहीं जाएंगे। एक जबरदस्त विरोधाभास उनके यहां अपने ही है। और दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी तय करते वक्त कागज का भारीपन चेक करती है। जो कागज होता है ना, कि जिसके पास जितना ज्यादा कागज है, जितना महत्वपूर्ण कागज है और जितने बड़े डिनोमिनेशन का कागज है, उसको उतनी तवज्जो दी जाती है। हम यहां बैठे हैं इस प्रेस वार्ता में, इस जिला में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां हमारे सारे प्रभारी, सारी पार्टियां, सभी गठबंधन के लोग लगे हुए हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सीतामढ़ी और शिवहर, भांति भांति प्रकार की बातें की जा रही हैं, मजबूती के साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद पहले भी एनडीए गठबंधन को जबरदस्त तरीके से मिला है। दोनों ही सीटों पर जिस तरह से लगातार हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे पार्टी के संगठन और गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से, जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिया है देश में 400 पार का, ठीक उसी तरह से हम लोग इन दो संसदीय क्षेत्रों में 400,000 मतों के अधिक के अंतर से जीतेंगे और सीतामढ़ी की धरती जहां हम बैठे हैं उसका विकास और अग्रतर तरीके से होगा। जिस तरह से आदरणीय रामलला का मंदिर बना है अयोध्या में, ठीक उसी तरह से माता सीता का भी एक बड़ा मंदिर बनेगा, ये प्रत्याशी हमारे लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब पुराना धाम के जीर्णोद्धार के लिए बिहार की सरकार ने पहले ही इतना बड़ा फंड दिया है, आगे भी फंड मिलेगा और हम मानते हैं, हम उस संस्कृति के लोग हैं, हमारी पार्टी उस संस्कृति के लोग हैं कि जहां गौरी के बिना शंकर नहीं, राधे के बिना श्याम नहीं, ठीक उसी तरह से सिया के बिना राम नहीं, और इसी संस्कृति से हम आगे बढ़ेंगे और यहां के मतदाता मालिकों का जबरदस्त हमें आशीर्वाद स्नेह मिलेगा और भारी मतों के अंतर से 40-40 सीटें पूरे बिहार में हम जीतेंगे। वो अपने पार्टी को बांध करके चलाना चाहते हैं, उनके परिवार से कई उम्मीदवार हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा, जो सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा यहाँ और 2 वहाँ काम कर रहे हैं, हमने लगभग 1 महीने से लगातार दौरा कर रहे हैं
अपने उम्मीदवार के साथ भी, घोषित उम्मीदवार के साथ भी, और पहले भी संगठन के काम से हमने घूमा है। और जो रुझान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के प्रति है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है जी अब की बार 400 के पार, और माननीय मुख्यमंत्री और बिहार विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का नारा है कि 40 में 40 सीट हम जीत कर देंगे, एनडीए के साथी खासतौर से जनता दल यूनाइटेड के साथी दोनों लोकसभा सीट पर इस संकल्प के साथ आशान्वित है कि अब की बार 4 लाख के पार हम दोनों सीट चुनाव जीतेंगे।